हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब का 21 चैप्टर मज़ा होगा। सो चलिए 22 चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यीशु कहता है, नहीं तुम खुद ही कर लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये क्योंकि यीशु वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी जेंकियो जोर से अपना हाथ दरवाजे की तरफ पटकता है और यीशु को पकड़ते हुए कहता है, मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे रिफ्यूज़ कर सकते हो? ये सुन के यीशु घबराते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? जेंकियो तभी रूडली कहता है, जल्दी अपने घुटनों पे बैठो। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 22 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ चंशी और जेंकियो साथ में होते हैं। चंशी कहता है, तुम कल तक इतने डिप्रेस्ड और फ्यूरियस थे, एक रात में ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने खुश लग रहे हो? रुको, लेट मी गेस, कल शायद मिस्टर ये ने बहुत सफ़र किया होगा। ये सुन के जेंकियो हंसते हुए कहता है, वाओ तुम तो बहुत अच्छा गेस कर लेते हो। फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेंकियो कहता है, वो अच्छी तरह से वाला करो, पूरा चीज़ धीरे धीरे सक करो। ये सुन जेंकियो के उस पार्ट को सक कर रहा होता है और साथ ही साथ ब्लश भी कर रहा होता है। तभी उस चीज़ को स्वालो करते हुए ये सुन सोचता है, ये बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर सकता। और जेंकियो कहता है, अपने दांतों का यूज़ मत करो, सिर्फ लिख करो। ये सुन के यीशु धीरे धीरे सक कर रहा होता है। तभी जेंकियो जोर से यीशु को पुल करता है। इस वजह से जेंकियो का वो पार्ट यीशु के मुंह के बहुत अंदर चला गया होता है। यीशु सोचता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यीशु जिस तरह से जेंकियो को ब्लू जब दे रहा होता है उस वजह से जेंकियो सेटिस्फाई नहीं होता और वो कहता है, मुझे पुश करना बंद करो। यीशु बार बार रिजिस्ट कर रहा होता है और जेंकियो को पुश भी कर रहा होता है, पर जेंकियो यीशु को बिल्कुल भी छोड़ता नहीं। ऊपर से वो यीशु को और भी ज़्यादा पुल कर रहा होता है। तभी जेंकियो का वो पार्ट यीशु के मुँह के बहुत अंदर चली गई होती है। इस वजह से यीशु खांसने लगता है। तभी यीशु कांपते हुए कहता है, प्लीज़ रुक जाओ, मैं और नहीं कर सकता, मेरा थ्रोट बहुत दुख रहा है, प्लीज़। ये सुन के जेंकियो स्माइल करते हुए कहता है, रियली क्या तुम्हारा थ्रोट पेन हो रहा है? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ मुझे ब्लो जॉब देने से तुम हार्ड हो गए हो? ये सुन के यीशु मुँह फेर लेता है। तभी जेंकियो यीशु का चेहरा पकड़ते हुए कहता है, तुम सच में कितने लस्टफुल हो। यीशु तभी कहता है, क्या ये बस नहीं है, तुम मुझे कितनी बार पनिश कर चुके हो? ये सुन के जेंकियो हंसते हुए कहता है, इनफ, ये गेम जब तक मैं नहीं कहता तब तक ख़त्म नहीं होने वाली है मिस्टर ये, क्योंकि इस गेम का मास्टर सिर्फ मैं हूँ। फिर प्रेजेंट में चंशी कहता है, तो मिस्टर ये कैसे हैं, क्या वो ठीक है? ये सुन के जेंकियो कहता है, हाँ कौन जाने, पर सुबह मैंने जैसे उनको देखा था शायद वो ऑलमोस्ट रिकवर्ड हो ही गए होंगे। तभी सडनली जेंकियो किसी को नोटिस करता है और फिर चंशी से कहता है, हे उधर देखो, ये वही लड़का है ना जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी ट्रबल में है? ये सुन के चंशी कहता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, जाओ जेंकियो। ये सुन के जेंकियो हंसते हुए कहता है, ओके मैं जा रहा हूँ, बाद में जिम में मिलते हैं। ये कहकर जेंकियो वहाँ से चला जाता है और चंशी लिंगशो की तरफ देखते हुए सोचता है, ये हमेशा किसी न किसी ट्रबल में कैसे फंस जाता है। यहाँ लिंगशो कहता है, सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं वापस घर नहीं जा सकता, मुझे यहाँ कैंपस में रहना है। ये सुन के टीचर कहते हैं, पर लिंगशो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपना ट्यूशन फी भर दोगे, पर तुमने अभी तक कोई फीस नहीं भरी है, रूल्स रूल्स होते हैं, ये स्कूल कोई चैरिटी नहीं है। ये सुन के लिंगशो कहता है, सर मैं जानता हूँ, प्लीज़ मुझे सिर्फ कुछ दिन दीजिए, प्लीज़ सर। लिंगशो को ऐसे देखकर वो टीचर कहते हैं, ठीक है पर तुम एग्जैक्टली बताओ कितने दिन? ये सुन के लिंगशो हंसते हुए कहता है, बस एक हफ्ता, मैं एक हफ्ते में सारी फीस भर दूंगा। फिर लिंगशो बाव करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच सर, और मुझे माफ़ करना आपको इतनी सारी ट्रबल देने के लिए। ये कह के लिंगशो वहाँ से चला जाता है। तभी चंशी पीछे से कहता है, मिस्टर माँ। चंशी को देख के वो टीचर कहते हैं, ओ चंशी क्या
क्या तुम्हारी पी क्लास है? ये सुनकर चंशी स्माइल करते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं तो स्पोर्ट्स डे की प्रिपरेशन करने के लिए जिम में ट्रेनिंग करने वाला हूँ। ओह हाँ, वो लड़का जो अभी आया था, क्या वो किसी मुसीबत में है? ये सुनकर वो टीचर कहते हैं, ओह तुम जैंग लिंगशू की बात कर रहे हो? उसने अभी तक अपनी ट्यूशन फीस नहीं भरी, उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, उसके पास बोर्डिंग फीस भरने के लिए तक पैसे नहीं है। ओह शिट, मेरी क्लास, मुझे लेट हो रहा है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ चंशी। ये कह के टीचर वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी चंशी कहता है, ओह एक मिनट मिस्टर माँ। ये सुन के टीचर पीछे मुड़ के कहते हैं, ओह क्या हुआ चंशी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? चंशी तभी स्माइल करते हुए कहता है, आपको जैंग लिंगशू कहाँ रहता है ये पता है राइट? तो क्या आप मुझे उसका एड्रेस बता सकते हैं? ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, सो टिल दैट स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।